फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com। गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के मोदक, जिसमें हम ड्राई फ्रूट की स्टफिंग करेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बनाने में बहुत आसान है और टाइम भी बहुत कम लगता है। तो इसे बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाए और जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून देसी घी। तो अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप डालडा का या रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम मेल्ट होने देते हैं। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है। मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप सूजी। ये मोटी वाली सूजी है, आप बारीक मोटी वाली कोई सी भी ले सकते हैं। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट ना हो जाए। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस वहीं पर रुक जाना है जहाँ पर इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो रहा हो। तो इसे कम से कम 6-7 मिनट लग जाते हैं मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से चलाते हुए इसे भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो 6-7 मिनट हो चुके हैं, इसका जैसे ही कलर चेंज हो रहा था मैं वहाँ पे रुक गई। और इसके बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप नारियल का बुरादा। ये बाज़ार से लिया है मैंने, ये डेसिकेटेड कोकोनट है। और आप चाहे तो घर में जो सूखा नारियल होता है उसे भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो इसे भी हम थोड़ा सा सूजी के साथ ही भून लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दूध, जिसमें मैंने 1 चुटकी केसर भिगो कर रखा था। केसर से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और कलर भी आता है। आप चाहे तो बिना केसर के भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको केसर डालना ही है। अब मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क। ये बाज़ार का है, आप चाहे तो घर में बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं 1/2 कप कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ और यहाँ पे हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंडेंस मिल्क काफ़ी मीठा होता है। तो आपको यहाँ पर अलग से चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसकी जगह 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं या फिर 1/2 कप मावा भी डाल सकते हैं, पर उसमें फिर क्या होगा, आपको चीनी डालनी पड़ेगी क्योंकि मिल्क पाउडर दो तरह के आते हैं, एक फीका होता है एक मीठा होता है। अगर मीठा डाल रहे हैं तो चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर फीका वाला डाल रहे हैं तो आपको चीनी डालनी पड़ेगी, और मावा डाल रहे हैं तो फिर तो आपको चीनी डालनी ही पड़ेगी। तो कंडेंस मिल्क में आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे हम गाढ़ा कर लेंगे इस तरीके से पकाते हुए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो सूजी है वो सारा लिक्विड अब्जॉर्ब कर लेगी और एकदम ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। तो इसे थोड़ा सा और हम सुखा लेते हैं इसी तरीके से पकाते हुए मीडियम फ्लेम पे। तो आपको इसे छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए पकाना है। तो इसे 6-7 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाती है। तो ये देखिए हमारी जो सूजी है वो काफ़ी ड्राई हो गई है, उसने कढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है। तो इस तरीके से हमें इसे पकाना है। इसके बाद अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। तो ये देखिए किस तरीके से डो की तरह तैयार हो गई है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। इसे हम अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये गुनगुनी ना रह जाए। तो ये देखिए जो सूजी का मिक्सचर है वो गुनगुना रह गया है। अब इसे हम एक बार नीट कर लेंगे, दोबारा से गूंद लेंगे ताकि ये स्मूद हो जाए। तो ये देखिए जब इसे बिल्कुल ठंडा ना करें, इसे जब ये हल्के से गर्म हो, जब आप इसे टच कर पाएँ तो आपको इसे इस तरीके से गूंद लेना है जिससे ये बिल्कुल स्मूद हो जाते हैं और आपके मोदक बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम पिस्ता कटे हुए, जिसकी हम स्टफिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। थोड़ा सा जो डो है वो हम इसमें मिला देंगे ताकि जो स्टफिंग है वो हम आराम से भर सकें मोदक के अंदर, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से हम ये डो इस ड्राई फ्रूट्स के साथ डो मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सूजी मिक्सचर में अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम मोदक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक मोदक वाला मोल्ड सांचा, जो आपको किसी भी बर्तन वाले की शॉप पे मिल जाएगा। ये मैंने 25 रुपीज़ का लिया है, तो आपको किसी भी बर्तन वाली शॉप पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आप चाहे तो बिना इसके भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से हम एक छोटा पेड़ा बनाएंगे और इसके अंदर इस तरीके से मोल्ड को बंद करके ये पेड़ा इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम बीच में गैप बनाएंगे ताकि इसके अंदर हम स्टफिंग कर सकें। तो इस तरीके से दबाते हुए हम बीच में एक गैप बना लेंगे उंगली से।
और बीच में जो है वो हम स्टफिंग भर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, ये जो स्टफिंग है इससे जो मोदक का टेस्ट है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम अंदर स्टफिंग डाल देंगे और ऊपर से इसे कवर कर देंगे। तो देखिए अच्छे से हम इसके अंदर स्टफिंग डाल देते हैं ताकि मोदक खाने में मज़ा आए, अच्छे लगें, टेस्टी लगें। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे कवर कर देंगे और ये बिल्कुल अच्छे से दबा देंगे ताकि जो मोदक की शेप है वो अच्छी सी आए, खाली नहीं रहना चाहिए, मोदक अच्छे से फिल करें इसे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से दबा दिया है, ये मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है तो मैं इसे इस तरीके से प्लेन कर देती हूँ। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कैसे बना है मोदक हमारा। तो इस तरीके से हम ये मोल्ड खोल लेंगे और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया शेप आई है मोदक की। ये देखिए कितना सुंदर मोदक लग रहा है, ना बिल्कुल बाजार जैसा, और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो अब मैं आपको बिना मोल्ड के दिखाती हूँ कैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम फिर से डो लेंगे हाथ में और इसे गोल कर लेंगे, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं। इस तरीके से हम इसे फ्लैट कर लेंगे और इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे और इसे बंद कर देंगे, जैसे हम आलू के पराठे के लिए बंद करते हैं उसी तरीके से इसे बंद करके इसे मोदक की शेप दे देंगे, क्योंकि मोदक जो होते हैं नीचे से गोल होते हैं, ऊपर से उसकी एक चोंच होती है। तो इस तरीके से हम मोदक की शेप दे देंगे इसे। तो ये हमारे हाथ से बने हुए मोदक तैयार हो जाएंगे। खाने में कोई भी टेस्ट में फ़र्क नहीं है, सिर्फ देखने में फ़र्क है, डिज़ाइन का फ़र्क है। तो इस तरीके से आप हाथ से भी मोदक बना सकते हैं, चाहे तो इस पर कोई छोटा मोटा डिज़ाइन भी डाल सकते हैं जिससे देखने में अच्छे लगे। तो इस तरीके से आप ये हाथ से मोदक बना सकते हैं अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो। तो ये देखिए इस तरीके से आप घर पे बिना मोल्ड के भी मोदक बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं सारे मोदक तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे मोदक तैयार कर लिए हैं, यहाँ पे मेरे 9 मोदक बने हैं इतने मिक्सचर में, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, देखने में भी सुंदर लग रहे हैं, जैसे बाज़ार के होते हैं, कोई भी नहीं कहेगा हमने घर में बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।